गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जो टॉपिक देखने वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे और उसमें अपन ने कुछ क्लासेज देखी थी जिसमें अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो देखे थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद अपन ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी। उसके बाद वाली क्लास में अपन ने देखा था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से क्या थे, अपने पास कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर स्थित थे, यानी उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, आर नॉट था, यानी एक ये था ये एस था और ये एस डैश था। तो जब भी वो एस और एस डैश किसी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं तो उसके बीच की पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चेंज आती है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आती है, इक्वल आती है, यानी एस और एस डैश में वो दोनों इक्वल थी। फिर अपन ने जो सेकंड केस देखा था वो ये देखा था कि अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से थे, कुछ टाइम बाद एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में मूव करता है। मूव कैसे, ये वाला तो स्थिर रहेगा और ये वाला आगे क्या करेगा, इस टाइप से मूव करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आगे मूव करेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से, कोई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है उससे क्या करता है, वो मूव करता है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली थी। अब अपन को देखना है जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और गैलीलियन रूपांतरण। अब ये चैप्टर का नाम है और इसका जो टॉपिक रहेगा वो है अपने पास झुके हुए निर्देश तंत्र का रूपांतरण समीकरण। तो एक नियत कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण की बात करनी है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। तो आज अपन को क्या करना है, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश को एस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री से इंक्लाइन करना है, यानी उसको थीटा डिग्री से क्या करना है, झुकाना है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि जब भी दो निर्देश तंत्र है वो एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी उसकी बात करेंगे। क्लियर, तो अपन चलते हैं आज की क्लास में। तो फर्स्ट अपन ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, अपन ने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लिखा है कि यदि कोई माना कि निर्देश तंत्र एस डैश और एस, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि एस तो मुझे एस लेना है, एक मुझे क्या लेना है, एस डैश लेना है। एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष फाई कोण से झुका हुआ है। फाई कोण से झुका होने का क्या मतलब है कि मेरे पास जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला क्या है, अपने पास कोई एस फ्रेम था, ये एस फ्रेम था। दूसरा है मेरे पास क्या, ये वाला एस डैश फ्रेम है और ये वाला भी क्या है मेरे पास, एस डैश फ्रेम है। क्लियर, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो वो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये थीटा डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, मतलब ये इसका एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, ये इसका एक्स डैश था, ये वाई डैश था और ये क्या था, जेड डैश था। जेड और जेड डैश क्या है, संपाति है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि माना कि निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष थीटा डिग्री कोण से झुका हुआ है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है। और दोनों निर्देश तंत्र के जो मूल बिंदु ओ और ओ डैश और जेड अक्ष क्या है, संपाती है, यानी दोनों निर्देश तंत्र के जो ओ और ओ डैश पॉइंट है और जो जेड एक्सिस है वो क्या है, एक के ऊपर एक है। तो अपन बात करते हैं कि द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एस डैश इज कंसिडराइडेड टू बी एसोसिएटेड विद एन एंगल फाई विथ रेस्पेक्ट टू एस, यानी एस डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में झुका हुआ है तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। तो ये कुछ थ्योरी है जो आप बना के लिख सकते हो। अब इस डायग्राम को अपन अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इसके बेस पे जो भी इसकी मैथमेटिकल टर्म है वो सारे निकालेंगे। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की, बात करते हैं। यदि अपन ने कह दिया कि मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाते हैं अपन, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले तो लेते हैं क्या, एस फ्रेम। क्या लेते हैं अपन, एस फ्रेम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एस फ्रेम की। तो एस फ्रेम में क्या होगा, मैं अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये तो हो जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस, ऐसे अपने पास दूसरा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला तो एक्स एक्सिस है, ऐसे ही दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या, वाई एक्सिस। ये हो जाएगा अपने पास क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका मैंने नाम दे दिया। और इसका जो जेड एक्सिस लेना है वो कहाँ से लेना है अपने पास, ये क्या हो गया अपने पास वाई एक्सिस। इसका जो जेड एक्सिस होगा वो हो जाएगा अपने पास ये वाला, ये क्या हो जाएगा अपने पास जेड एक्सिस।
तो ये वाला अपने पास क्या एक सेंटर पॉइंट है, ये वाला क्या अपने पास एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये वाला क्या होगा अपने पास एक सेंटर पॉइंट होगा जिसका जेड एक्सिस होगा, तो ये अपन ने कोई सेंटर पॉइंट ले लिया और ये इसका क्या बना लिया जेड एक्सिस बना लिया। तो देखो इसमें इसमें मैं नाम भी लिख देता हूँ, जो येलो कलर वाला है उसको नाम मैं येलो से लिखता हूँ। ये अपना एक्स है, ये वाई है और ये क्या मेरे पास जेड है, क्लियर। इस पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल मैं बना देता हूँ किससे, वाइट कलर से, कि जो भी अपना पार्टिकल है वो कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है। क्या है, पी पॉइंट पर है। यदि कोई पी पॉइंट पर पार्टिकल है तो इसके कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स वाई और जेड, क्या होगा कोऑर्डिनेट, क्या होगा इसके एक्स वाई जेड। यदि मैं इसकी डिस्टेंस मेजर करूँ तो देखो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यदि इसकी डिस्टेंस अपन मेजर करें तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास ये वाली। इसकी यदि मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो अपने पास जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास पार्टिकल की, ये तो एक एक डिस्टेंस तो ये हो जाएगी, दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास, यदि मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक एक्स हो गया एक वाई होगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल पी लिया है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे हो जाएगी अपने पास क्या एक्स वाई और जेड। तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास एक्स है, ये वाली कितनी है एक्स है, ये वाला भी कितना है एक्स होगा और ये वाला कितना है वाई होगा, तो ये वाला भी कितना होगा वाई। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है एक्स वाली और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है वाई वाली, क्लियर। ये इसका सेंटर पॉइंट था क्या ओ पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये तो मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, इसकी डिस्टेंस बता दी, इसका मैंने नाम दे दिया ओ ए पी बी, ये नाम दे दिया, ठीक है। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है जो कहता है कि ये तो क्या था एस फ्रेम था, इसका मैंने नाम क्या दे दिया एस फ्रेम, तो ये तो था अपने पास एस फ्रेम। दूसरा बनाना है मुझे एस फ्रेम जो एस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री एंगल से क्या है इंक्लाइंड है, तो थीटा डिग्री एंगल से जब भी इंक्लाइंड होता है तो उसका कैसे बनेगा डायग्राम, यानी उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है थीटा डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, तो वो मुझे डायग्राम बनाना है। तो देखो वो डायग्राम कैसे बनेगा, यदि मैं थीटा डिग्री से ये लेता हूँ, ये मैंने कह दिया कि ये इसका क्या है एक्स डैश एक्सिस है, क्या है अपने पास ये वाला एक्स डैश एक्सिस है, ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास बाकी हो जाएगा वाई वाला, ये हो जाएगा मेरे पास कितना वाई एक्सिस है, क्लियर। अब इसका जो डिस्टेंस है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे यदि निर्देश तंत्रों के बीच में जो एंगल आया वो एंगल कितना आया, तो वो लिख सकता हूँ कि वो एंगल आएगा अपना कितना थीटा, कितना आएगा थीटा, यानी इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, इसके बीच में जो भी जो एंगल है वो थीटा है, यानी एस और एस डैश, ये वाला कौन सा फ्रेम है अपने पास एस डैश है, ये वाला कौन सा है अपने पास एस डैश, यानी एस एस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, जेड अक्ष है वो संपाती है, यानी वो क्या है एक के ऊपर एक है और उसका मूल बिंदु है वो भी क्या है संपाती है। अब इसका यदि इसके लिए एस डैश फ्रेम के लिए पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो वो क्या आएंगे अपने पास एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या आएगा अपने पास एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तो इसके लिए जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा और जेड डैश हो जाएगा, क्लियर। अब ये और ये दोनों के कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग है, उसके बीच में ही मुझे क्या निकालना है रिलेशन निकालना है, और वही रिलेशन क्या कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन करते हैं कि सबसे पहले अपने पास देखो यहाँ पे इसका एक्सिस बनाते हैं, तो ये वाले जो एक्सिस आएगा वो क्या आएगा उसकी बात करते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ कि इसमें जो भी डिस्टेंस मेजर आउट की है तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे यदि डिस्टेंस मेजर आउट करते हैं ये वाला जो हो जाएगा अपने पास जो रेड कलर में आपको डैश डैश दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस, यानी ये वाला यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी एक्स डैश, क्योंकि कहाँ से है एस डैश फ्रेम के वाई एक्सिस से, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डैश है, ये कौन सा है अपने पास वाई डैश है और इसका जेड डैश संपाती है, मतलब जेड और जेड डैश एक ही है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने लिख दी कि ये कितना हो जाएगा अपने पास एक्स डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स डैश। ऐसे यदि वाई डैश होगा तो ये अपना क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा सेंटर पॉइंट से, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास वाई डैश। अब देखो यदि मैं यहाँ से वाई डैश बनाऊँ तो यहाँ से वाई डैश एक, अब आगे वाई डैश कौन सा होगा, तो आगे वाई डैश बनाने के लिए मैं यहाँ से दो परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्या डालता हूँ दो परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो एक परपेंडिकुलर तो डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा,
इसको डैश डैश से बना देते हैं कि ये वाला तो क्या हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर। तो ये वाला एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है अपने पास थीटा है, वो एंगल कितना है थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा, और इसका एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ। तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके बीच का भी एंगल कितना है थीटा है, कितना है थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना थीटा। तो ये देखो मैंने दो परपेंडिकुलर डाले। अब मुझे पता है कि ये वाला यदि वाई डैश है तो ये वाला जो इसके पैरेलल है वो भी क्या होगा वाई डैश। तो यहाँ से मैंने नाम दिया ए, यहाँ पे दे दिया बी, यहाँ पे दे दिया पी। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं सी, यहाँ पे दे दूँ मैं डी, यहाँ पे दे दूँ ई, ये सारे मैंने क्या दे दिए इसके नाम दे दिए, यहाँ पे दे दिया जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास दो परपेंडिकुलर डाले ए डी, परपेंडिकुलर है किस पर सी डी पर। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है किस पर सी पी पर, क्या है सी पी पर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने पी से, एक्स डैस वाला एक्सिस है यानी ओ से जी पर, और दूसरा जो परपेंडिकुलर डाला है पी से लेकर जी, तो पी जी परपेंडिकुलर होगा किस पर ओ से जी पर। क्लियर, ये दो मैंने परपेंडिकुलर लगाए हैं। अब मुझे इसमें सारों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल देखो यहाँ पे ओ ए और सी, तो पहले तो मुझे ये पता है कि एक्स डैस किस से मिलकर बना है, तो मुझे क्या रिल निकालना है एक्स डैस और एक्स में रिलेशन निकालना है, वाई डैस और वाई में रिलेशन निकालना है, जेड डैस और जेड डैस में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्स डैस। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो एक्स डैस है वो किससे मिलकर बना है सी डी प्लस का क्या है डी पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास डी पी हो जाएगा। ऐसे यदि मैं वाई डैश की बात करता हूँ तो वाई डैश किससे मिलकर बना है, देखो ये वाई डैश है तो मेरे पास ये भी क्या होगा वाई डैश होगा, और ये भी क्या होगा वाई डैश होगा। तो इस वाई डैश को निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डी माइनस का ए ई, यानी ए डी ये पूरा है उसमें से ए ई कम करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास वाई डैश आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए डी, ए डी उसमें से क्या कम करना है मुझे ए ई कम करना है, क्या कम करना है ए ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये मैंने क्या कर दिया ए ई कर दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें जो डिस्टेंस है कौन कौन से डिस्टेंस इक्वल है, तो मुझे बताइए कि एक्स डैस है सी पी और ओ जी इक्वल है, एक्स डैस है वो किसका है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डैस इज इक्वल टू किसके किसके इक्वल होगा सी पी के और क्या होगा ओ जी के। ठीक है, ऐसे यदि मेरे पास वाई डैस है तो वाई डैस किसके इक्वल होगा सी ओ के, इज इक्वल टू क्या होगा ई डी के, इज इक्वल टू क्या होगा ई डी के, इज इक्वल टू क्या होगा जी पी के, इज इक्वल टू क्या होगा जी पी के। क्लियर, ऐसे मेरे पास जो एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस किस किस के इक्वल है बी पी, तो ये हो जाएगा बी पी, क्या हो जाएगा अपने पास बी पी, तो ये हो जाएगा एक्स बी पी। ऐसे ही अपने पास ओ ए भी कितना है एक्स है, तो ये हो जाएगा ओ ए। वाई डैश कितना है, तो वाई अपन ने ले लिया, देखो वाई डैश तो लिख लिया, वाई ले लिया तो वाई कितना है ए से पी, तो ये कितना हो जाएगा ए से पी। और ऐसे ही यहाँ का जो वाई है वो कितना है बी से ओ, तो ये हो जाएगा ओ से बी। ये मैंने सारी डिस्टेंस लिख ली, तो जो जो डिस्टेंस थी वो मैंने सारी लिख ली। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या लेने हैं, दो ट्राइंगल लेने हैं। तो एक ट्राइंगल तो लूँगा मैं ए ओ और ई, कौन सा लूँगा ए ओ और ई। एक ट्राइंगल लूँगा मैं ए डी और पी, इन दोनों ट्राइंगल से क्या निकालूंगा मैं इसकी कॉस थीटा और साइन थीटा निकालूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है ये वाले रिलेशन, कि ये जो दो मैंने डिस्टेंस लिखी है ये डिस्टेंस मुझे मेजर आउट करनी है, क्या करनी है ये डिस्टेंस मुझे क्या करनी है मेजर आउट करनी है। तो यहाँ से देखो यदि मैं दो डिस्टेंस की बात करते हैं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ट्राइंगल वगैरह दिखाने में आसानी रहे। देखो यहाँ पे मैं दोनों के ट्राइंगल लिखता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल तो लिखता हूँ मैं, कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं ए ओ और ई, कौन सा ले रहा हूँ मैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ और ई। यदि ए ओ ई में मैं इन ए ओ ई ट्राइंगल में बात करता हूँ तो देखो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये वाला जो ई पॉइंट पर जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा लंब। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालता हूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है अपने पास ओ से ई, क्या हो जाएगा ओ से ई, अपॉन में हो जाएगा क्या कर्ण ओ ए, तो वो क्या हो जाएगा ओ ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी बनेगा ट्राइंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा अपने पास ओ ई इज इक्वल टू ओ ए, कितना है ओ ए एक्स है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ऐसे यदि मैं इसका साइन थीटा निकालता हूँ
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब देख लो लंब कौन सा है अपने पास, परपेंडिकुलर है ए से ई, तो वो हो जाएगा ए से ई। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण हो जाएगा ओ से ई, यानी क्या हो जाएगा ओ से ए, क्या हो जाएगा ओ से ए, तो ये हो जाएगा ओ से ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है एक्स साइन थीटा। क्लियर, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, इससे ये ओ ई डिस्टेंस आ गई और ए ई आ गई। दूसरी डिस्टेंस निकालूं मैं दूसरे ट्राइंगल से, वो है अपने पास कौन सा, ए पी और डी, कौन सा ट्राइंगल है ए पी डी। तो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए पी और डी में। यदि मैं इसमें भी कॉस थीटा निकालता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी डी में परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, यानी ये वाला जो है वो तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा होगा अपने पास, ए से डी, क्या हो जाएगा अपने पास ए से डी। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, ए से डी आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा एक तरीके से जो डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, ए डी इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ऐसे अपने पास जो दूसरी डिस्टेंस है वो निकालनी है मुझे कौन सा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा हो जाएगा इसके लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सा है डी पी, तो लंब हो जाएगा अपने पास डी पी, अपॉन में कर्ण कौन सा वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। क्लियर, तो ये सारी मैंने क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी और, ये तो मैंने क्या किया डायग्राम में क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली। तो ये तो अभी अपन ने इस साइड लिख लिया, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ आप साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है। अब देखो डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा, अब डायग्राम के बेस पे जो जो डिस्टेंस थी, अब मुझे क्या करना है, जो जो डिस्टेंस साइन थीटा कॉस थीटा से निकालनी थी वो मैंने सारी निकाल दी। अब मुझे लिखना है एक्स डैश, तो देखो यहाँ से ये वाली जो एक्स डैश है वो एक्स डैश कितना था, एक्स डैश कितना था अपने पास, तो वो लिखना है अपन को। यदि मैं एक्स डैश की बात करता हूँ तो एक्स डैश मेरे पास आया था सी डी प्लस का क्या था अपने पास डी पी था, सी डी प्लस डी पी था। तो देखो सी डी, सी डी कहीं वैल्यू है क्या अपने पास, सी डी कहीं निकाल रखा है क्या, सी डी, सी डी किसके इक्वल है मुझे पता है कि जो ये सी डी है वो ओ किसके इक्वल है, ये जो कोई पॉइंट अपन ने दिया था ई, सी डी पॉइंट ए ओ ई के इक्वल है, तो ओ ई की डिस्टेंस मैंने निकाल दी ये वाली एक्स कॉस थीटा। तो मुझे पता है कि जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है, और जो डी पी है तो डी पी की डिस्टेंस निकाल रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस डी पी, डी पी क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का वाई साइन थीटा, ठीक है। एक टर्म तो ये हो जाएगी, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी एक। तो सेकेंड क्या होगी, सेकेंड अपन को निकालना है वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस क्या ले रखा था अपन ने, y इज इक्वल टू ए डी माइनस का क्या था अपने पास ए ई था। अब देखो क्या ये दोनों डिस्टेंस निकाल रखी है क्या, ए डी ये रहा अपने पास, ए डी है अपने पास कितना y cos थीटा, तो ए डी की जगह तो क्या आ जाएगा y cos थीटा, और ए जी क्या आ जाएगा x sin थीटा। तो y डैश इज इक्वल टू ए डी की तो वैल्यू क्या आ जाएगी y cos थीटा, माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास x sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी, किसमें x और y में। अब देखो अपने पास जो ये रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यदि कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से झुका हुआ है, झुका हुआ है यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे थे, अब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया ऐसे हो गया, यानी इसका एक्सिस क्या हो गया चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा डिग्री था, वो थीटा डिग्री क्या हो गया यहाँ पे चेंज हो गया, तो उसमें जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा। अब अपने पास जो ये वैल्यू आई है तो ये क्या कहलाती है, एक तरीके से स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ और भी मॉडिफाई करेंगे, वो मॉडिफाई ये करेंगे कि इसमें जो भी टर्म आई है इन सारों को थीटा डिग्री एंगल न लिखकर अपन एंगल का क्या देंगे, नाम देंगे, क्या देंगे नाम देंगे। तो अपन एक एक की बात करते हैं, सबसे पहले जो भी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है अपने पास ये वाली एक्स डैश इज इक्वल टू, जो इक्वेशन आई है अपने पास वो क्या आई है, एक्स डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया अपने पास एक्स कॉस थीटा, साथ में क्या आ गया प्लस का वाई साइन थीटा, ठीक है। अब ये एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा है प्लस वाई साइन थीटा है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये वाली इक्वेशन है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखते हैं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो अपन कहते हैं क्या
कि देखो यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ कि cos थीटा को मैंने क्या लिखा है, cos x डैश ओ एक्स, तो देखो डायग्राम में क्या cos थीटा x डैश ओ एक्स के इक्वल है क्या? डायग्राम आपको बढ़ा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है cos जो थीटा था उसको लिखा है cos x डैश ओ एक्स, x डैश ओ एक्स, x डैश ओ और x, इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा है, यानी जो थीटा था cos थीटा था उसको मैं थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ, एंगल x डैश ओ और x लिख सकता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x डैश ओ एक्स cos थीटा में। दूसरी टर्म लिखी है मैंने x डैश ओ वाई, x डैश ये वाला है, ओ ये वाला है और y ये वाला है। अब देखो ये वाली टर्म क्या बन रही है, ये थीटा है, तो x डैश ओ वाई यानी इसका एंगल कौन सा हुआ अपने पास, ये वाला, और ये वाला एंगल कितना हो गया एक तरीके से 90 माइनस का थीटा, ये थीटा बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि cos 90 माइनस थीटा क्या मिलता है अपन को, sin थीटा मिलता है, क्लियर। cos 90 माइनस थीटा को क्या मिल रहा है, sin थीटा, यानी मैं इसको x डैश ओ वाई cos 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, sin थीटा। तो क्या वहाँ पे sin थीटा था क्या, तो बिल्कुल था। देखो यहाँ पे ये वाली जो अपन ने इक्वेशन लिखी है इसमें क्या था, y cos x डैश ओ वाई, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल था, sin थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये sin थीटा के इक्वल होगा, क्लियर। फिर अपन को क्या करना है, ऐसे ही अपन ने ये तो निकाली x डैश की, सेम टू सेम निकालनी है मुझे किसकी, y डैश की, तो ये तो किसकी हुई अपने पास, x डैश की, कि ये x डैश की टर्म इस तरीके से आ जाएगी जब वो x और y एक्सिस क्या है, थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। यदि मैं y डैश की बात करता हूँ तो y डैश इज इक्वल टू कितना है, y cos थीटा माइनस का क्या है अपने पास, x साइन थीटा, क्लियर। अब यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो इसमें जो भी एंगल आएगा तो वो कैसे आएगा, तो यदि मैं पहले x का कंपोनेंट था, यहाँ देखो पहले मैंने क्या लिखा है, x का लिखा है, तो यहाँ भी अपन क्या लिख सकते हैं, x, तो यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे माइनस x, x को पहले लिख लूँ माइनस साइन थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, y cos थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये वाली जो टर्म है इसको तो मैं लिख लेता हूँ y cos y डैश ओ वाई, वाई डैश ओ वाई क्या थीटा ही है क्या, तो डायग्राम में देख लो बिल्कुल y डैश ओ वाई, देखो यहाँ पे y डैश ओ वाई कितना है, थीटा ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, y डैश ओ वाई कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y डैश ओ वाई की वैल्यू कितना, थीटा। इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो आगे वाली टर्म है उसमें अपन ने लिख रखा है क्या, माइनस एक्स साइन थीटा, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस का एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कौन सी, वाई डैश ओ एक्स। अब क्या वाई डैश ओ एक्स साइन थीटा के इक्वल है क्या, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डायग्राम में चेक करते हैं, वाई डैश ओ एक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल, तो डायग्राम में देख लो कि ये वाला इक्वल है क्या वाई डैश ओ एक्स, डायग्राम में देखो y डैश ओ और x, तो यदि मैं बात करता हूँ y डैश ये हो गया, o ये हो गया, x ये हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना 90, तो ये वाला तो 90 हो जाएगा, ये वाला टोटल तो अपने पास हो जाएगा कितना 90, और इसमें आ रहा है ये वाला थीटा, तो अपने पास जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी कि अपने पास जो भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 प्लस का थीटा बनेगा, यानी ये कंप्लीट एंगल कितना 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं अपन ने जो भी वैल्यू लिखी है तो अपन यदि बात करते हैं 90 प्लस थीटा की, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये वाली जो y वाली टर्म है, जो y वाली टर्म है माइनस एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि यहां पे ये एंगल कितना बनना चाहिए, वाई डैश ओ एक्स यानी कॉस 90 प्लस थीटा बनेगा क्या, या फिर मैं लिख सकता हूं कि यहां पे क्या बनेगा, ये माइनस यहां पे नहीं आएगा, ये ध्यान देना, यहां मैंने साइन को क्या कर लिया, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये जो साइन था ये साइन थीटा था, यहां पे मैंने क्या कर दिया एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स, तो इसको मैंने वैल्यू में चेंज कर दिया, ये क्या था अपने पास x था, इस टर्म को मैंने क्या कर दिया x डैश cos x, यानी यहाँ पर क्या हो आ जाएगा अपने पास sin 90 प्लस थीटा, क्या आ जाएगा sin थीटा था, तो इसकी जगह या फिर आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा अपने पास क्या cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है अपने पास मुझे पता है कि ये क्या होगा माइनस का साइन थीटा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि y डैश ओ एक्स टोटल एंगल कितना आया था अपने पास y डैश ओ एक्स 90 प्लस थीटा, तो इसकी जगह मैं यदि 90 प्लस थीटा रखता हूँ तो वापस अपन को क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा मिलेगा, यानी इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, क्लियर। तो ये एक टर्म आ जाएगी, वो कौन सी आ जाएगी अपने पास y डैश, ठीक है, ये कौन सी आ जाएगी अपने पास y डैश, तो ये अपने पास क्या आ गई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई, ये वाली जो टर्म आई वो क्या आई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यदि मुझे ये कहता कि यदि x और y एक्सिस से वो थीटा डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, ऐसे यदि मैं कहता हूँ कि इसका z एक्सिस भी क्या होता इंक्लाइंड होता,
तो इसको कैसे लिखते, तो अब इसको मैं डायरेक्टली इसकी तरीके से सिमिलर लिख सकता हूँ। देखो कैसे, यदि अपन बात करते हैं सिमिलर कैसे लिखते हैं, तो मेरे पास x डैश और y डैश दोनों ही आ रखे हैं, और उसी के बेस पे मैं क्या लिखता हूँ, इसकी तीनों ही टर्म लिखता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अपने पास, यदि मैं x डैश इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे, x tan cos, ये क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी, ये हो जाएगा x cos, यहाँ पे हो जाएगा x डैश ओ एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास y, सेकेंड टर्म आई है cos x डैश ओ वाई, ऐसे अपने पास थर्ड टर्म क्या आती, z cos, यहाँ पे x डैश ओ एक्स आ गया, x डैश ओ वाई आ गया, तो आगे क्या आएगा x डैश ओ जेड, ये वाली टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अपने पास y डैश आया, वो क्या आया, देखो यहाँ पे x cos y डैश ओ एक्स, ऐसे ही अपने पास जो दूसरी टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, cos y डैश ओ वाई, प्लस तीसरी टर्म आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, जेड कॉस वाई डैश ओ जेड, ये वाली हो जाएगी वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ जेड, और इसका यदि मैं जेड कंपोनेंट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स कॉस, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, जेड डैश, ये जेड डैश ओ एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई कॉस जेड डैश ओ वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या, जेड, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस जेड डैश ओ जेड, क्लियर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है कौन सी, जब भी कोई एच डैश फ्रेम थीटा डिग्री एंगल से इंक्लाइंड होता है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये वाली है। तो यहाँ पे दो मैंने निकाली है और तीसरा कंपोनेंट मैंने उसको सिमिलरली करके लिखा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कब, जब अपने पास थीटा डिग्री एंगल से क्या है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या बताएगा, दिस इज नॉन एज, इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एट एच डैश फ्रेम, एच डैश फ्रेम इंक्लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एस, इंक्लाइन ऐसे लिख लो, इंक्लाइन एट थीटा एंगल विथ रेस्पेक्ट टू एस, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एस, तो ये वाली इसकी क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी, क्लियर। तो ये तो हुई किसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसी की जो अपन ने एक्स डैश निकाला, वाई डैश निकाला और जेड डैश निकाला। अब इसको आप यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, कैसे, यदि इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाते हैं इस वाली मैट्रिक्स को, ये जो तीनों इक्वेशन है इसको बनाते हैं, हिंदी वाले भी इसे लिख लेना कि यह रूपांतरण समीकरण कहलाती है, और एस डैश फ्रेम, जब एस फ्रेम नियत कोण से झुका हुआ हो तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ये होती है। अब अपन देखते हैं कि इसकी डिटर्मिनेट फॉर्म कैसे बनती है या मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनती है। तो देखो जो मैट्रिक्स फॉर्म है, इसी को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बनाता हूँ, ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं, अब यहाँ पे क्या है, एक्स डैश है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, एक तो मैट्रिक्स फॉर्म ये बन जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉस एक्स डैश ओ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स डैश ओ वाई हो जाएगा, ऐसे ही कॉस क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ और जेड हो जाएगा, क्लियर। ऐसे अपने पास यहाँ भी सेम हो जाएगा वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ एक्स, फिर हो जाएगा कॉस वाई डैश ओ वाई, फिर हो जाएगा कॉस वाई डैश ओ जेड, ऐसे अपने पास थर्ड टर्म आ जाएगी कॉस जेड डैश ओ एक्स, फिर हो जाएगा कॉस जेड डैश ओ वाई, फिर हो जाएगा अपने पास कॉस जेड डैश ओ जेड, क्लियर। एक मैट्रिक्स फॉर्म ये बन जाएगी, और ये वाली मैट्रिक्स किससे मल्टीपल होगी, ये मल्टीपल होगी किससे, एक्स वाई और जेड, किससे मल्टीपल होगी, एक्स वाई और जेड। अब देख लो अपने पास यदि इसका इसके साथ या रो कॉलम के साथ मल्टीपल होता है मैट्रिक्स में, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या ये फर्स्ट टर्म वापस आ जाएगी क्या, ये वाली जो आपके सामने लिखी हुई है, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि यदि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा वो किसके इक्वल आएगा, एक्स डैश के,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वाई डैश के। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, जेड डैश के। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये तीनों टर्म में वो किस में आ जाएगी, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको कंपोनेंट बना के, कैसे, जैसे मैंने ये जो मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है तो इसको मैं जो ये कॉस ये वाली वैल्यू थी, कौन सी, कॉस एक्स डैश ओ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगी। इक्वल टू मैं कंपोनेंट बना दूँ तो इसका मैंने लिख दिया ए वन वन, ए वन टू, इसका लिख दिया क्या, ए वन टू, ऐसे लिख दिया मैंने ए वन थ्री। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, यहाँ पे हो जाएगा ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। यानी ये जो एंगल वाला कंसेप्ट था उसको मैंने ये कंपोनेंट मान लिया कि कॉस एक्स डैश ओ एक्स किसके इक्वल है, ए वन वन यानी एक्स डैश ओ एक्स के इक्वल है। कॉस एक्स डैश ओ वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स डैश ओ वाई वन टू के इक्वल है, यानी एक्स डैश तो वन कंपोनेंट और वाई वाला कौन सा है, सेकेंड कंपोनेंट। एक्स डैश है वो फर्स्ट हो जाएगा और जेड है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट। यानी फर्स्ट कंपोनेंट है वो तो एक्स डैश कहलाएगा और जो इसके पीछे वन टू थ्री लिखा है वो एक्स वाई और जेड हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड लिखा है अपन ने वाई डैश वाई डैश वाई डैश, तो यहाँ पे देखो वाई डैश की जगह क्या आ गया, टू टू टू, वाई डैश सेकंड कंपोनेंट होता है। और ऐसे ही लिख दिया एक्स है तो वन, वाई है तो टू, जेड है तो थ्री। ऐसे ही थर्ड लिखा है थ्री, जेड डैश है यानी थ्री 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 तीनों में आएगा, ये थ्री 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 तीनों में आ गया। ऐसे ही अपने पास एक्स वाई और जेड उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और जेड। तो ये वाली क्या कहलाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी, जब अपने पास रूपांतरण समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी, जब कोई एस डैश फ्रेम एस फ्रेम से क्या है, थीटा डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। तो ये तो अपन ने बात की है कौन से, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, किसकी बात की है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब यदि इसकी मुझे, ये तो क्या, कौन सी रूपांतरण समीकरण है, ये तो है अपने पास कौन सी, स्थिति रूपांतरण समीकरण। कौन सी रूपांतरण समीकरण है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सी है, पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कौन सी है, पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है, ठीक है। यदि मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालूं, मुझे पता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी डी एक्स डैश बाई डी टी, डी वाई डैश बाई डी टी, डी जेड डैश बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी जेड बाई डी टी। तो इसका जो भी कंपोनेंट आएगा, तो यदि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, यदि इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो ये तो थी पोजिशन की, अब यदि मैं इसकी वेलोसिटी लिखता हूँ, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी मैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालता हूँ, यानी ये हो जाएगा अपने पास वी एक्स डैश, वी वाई डैश और क्या हो जाएगा, वी जेड डैश, ठीक है। ये वाला हो जाएगा यहाँ पे कंपोनेंट, इसमें तो देखो एंगल है, ये पूरा कौन सा एंगल है, एंगल का कंसेप्ट है, तो इसका तो कोई डेरिवेटिव होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए टू टू, ए यहाँ पे लिखो टू वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, यहाँ पे हो जाएगा ए थ्री वन, ए थ्री टू और क्या हो जाएगा, ए थ्री थ्री, ये हो जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स वी वाई, ऐसे क्या हो जाएगी अपने पास, वी जेड। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी। कब, जब अपने पास थीटा डिग्री एंगल से कोई एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड है या झुका हुआ है। ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं, तो सेम टू सेम त्वरण के भी निकाल सकते हैं। तो ये तो अपन ने बात की, देखो इस क्लास में अपन ने क्या क्या निकाला, जब भी कोई एस डैश फ्रेम एस फ्रेम से थीटा डिग्री एंगल पर इस तरीके से झुका हुआ है, यानी ये इसका एक्स एक्सिस है तो ये उसका एक्स डैश हो जाएगा, यदि ये वाई है तो ये इसका वाई डैश हो जाएगा, और इसका जेड एक्स संपाती माना था और उसके मानते हुए अपन ने कैलकुलेशन की, एक्स डैश और वाई में रिलेशन निकाला। उसके बाद दो कंपोनेंट के बेस पे जो जेड कंपोनेंट था उसको मैंने सिमिलरली लिख दिया सारी कॉस की टर्म में। इसके बाद अपन ने पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली, वेग रूपांतरण समीकरण निकाली। तो ये तो था अपने पास इसका थर्ड केस। तो फर्स्ट केस लिया, दो निर्देश तंत्र दोनों एक फिक्स दूरी पर स्थित थे। सेकंड केस लिया कि एक निर्देश तंत्र है, कुछ टाइम बाद इनिशियल टाइम में दोनों एक दूसरे के ऊपर ही थे, कुछ टाइम बाद ये इस तरीके से वी वेलोसिटी से क्या कर गया, मूव कर गया,
दूसरा निर्देश तंत्र था, तीसरा केस अपन ने जो ये वाली क्लास में पढ़ा है वो ये था कि ये निर्देश तंत्र था थीटा डिग्री एंगल से इंक्लाइंड हो जाता है, यानी कुछ टाइम बाद वो ऐसे हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला क्या हो जाएगा, इसकी रूपांतरण समीकरण हो जाएगी। इसमें एक केस आप ये भी ले सकते हो, यदि वो कहता है कि मैंने कह दिया कि यदि कोई निर्देश तंत्र है वो थीटा डिग्री एंगल से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है, क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये इसका क्या है अपने पास जेड है, ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्यों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों निर्देश तंत्र थे, प्रारंभ में संपाती थे, कुछ टाइम बाद वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोणीय वेग से घूमने लगता है, क्या करता है, ओमेगा कोणीय वेग से घूमने लगता है, तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। तो सेम डेरिवेशन होगा यदि वो कह देता है कि यदि कोई निर्देश तंत्र थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से क्या करता है, रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है, या फिर वो ऐसे कह देता है कि घूर्णन गति करते हुए, घूर्णन गति करते हुए रूपांतरण समीकरण निकालो, क्या निकालो, रूपांतरण समीकरण निकालो। यदि वो ऐसी बात करता है कि घूर्णन गति करते हुए रूपांतरण समीकरण निकालो, तो आपको थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है, ओमेगा टी लेना है। तो जहाँ जहाँ अपन ने थीटा लिया था वहाँ पर हर जगह क्या लेना है, ओमेगा टी, बाकी सेम एज इट इज ये डेरिवेशन होने वाला है यदि वो इस टाइप का केस दे दे तो, कि यदि अपने पास कह देता है कि कोई एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री या फिर ओमेगा टी एंगल से घूर्णन करता है, रोटेट करता है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालो, तो ये वाली चीज़ सेम एज इट इज करनी है, ठीक है। तो ये आज थी अपनी क्लास, इसमें अपन ने तीन केस को पूरा कर चुके हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में समझेंगे कि ये गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इसमें तो अपन ने देखा, ये सारी चीज़ें देखी, तो आपको इसके नोट्स वगैरह है वो अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और अपने पास जो वीडियो लेक्चरर है वो जैसे जैसे अपलोड होंगे आपको अपनी कॉलेज की जो एप्लीकेशन है उसमें सारे ही मिल जाएंगे। और यदि आपने ऐप में लॉगिन नहीं किया है तो अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने पर आपके पास जो भी वीडियो अपलोड होता है, जो भी नोट्स का मटेरियल अपलोड होता है, सारा ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।